हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, आज मेरा आज मतलब मंगलवार है, तो आज मैं व्रत खोलना है, क्योंकि कल से व्रत में थी ना मैं। तो अभी मेरे को ध्यान आया तो मेरा ब्लाउज का जो सिलाई है वो निकल गई है, तो मैंने अभी पहना तब ध्यान आया। तो बस उसको अगली बार जब उसको धोऊँगी तो उसको अच्छे से सिल लूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंघी, फटाफट पूजा करने की तैयारी थी। तो मैं बालों में डेली गुद करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि बालों में गुद करके रखने से ना बाल झड़ता नहीं है, मतलब बाल कम झड़ते हैं, ऐसा करके मैंने सुना है। लेकिन मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जब कंघी करती हूँ तो भर भर के कंघी में बाल आ जाते हैं। अब हस्बैंड पैर वो करके बैठ लेटे हुए थे, तो मैंने बोला पैर नीचे करने को अच्छा नहीं लग रहा था ना वीडियो में। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ बाल है, जिसमें कि मैंने कल ही चोटी बनाई थी, और फिर आज इतना उलझ गया है बाल। कहते जुड़े में, मुझे लगता है चोटी में ही बाल ज़्यादा उलझ जाते मेरे। जुड़े में तो बाल बंधा हुआ रहता है ना, तो इतना नहीं होता। मैं हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, और मतलब बाल में कंघी भी कर रही थी, और उनसे कुछ बात भी कर रही थी। वो नहाकर तैयार होकर बैठे हुए हैं मंदिर जाने के लिए, वो मेरा ही वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से तैयार हूँ तो फिर चलें, क्योंकि अभी हम लोग साथ में ही मंदिर जाते हैं। ये तो कंटिन्यू डेली जाते हैं, चाहे सावन हो चाहे ना हो, इनका डेली है। और मेरे हस्बैंड और वैसे पूजा वूजा कुछ नहीं करते हैं, बस वो एक लोटा जल लेकर जाते हैं। आलसी बहुत है, ये नहीं करते इतना कुछ तामझाम, बस प्लेन एक लोटा जल कर ले जाते हैं और डेली भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। तो कहते हैं ना मन सच्चा होना चाहिए। सही बात है, मन अगर मन सच्चा है आपका तो भोले बाबा एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। अगर मन में आपके गंदगी भरी है, पाप भरा हुआ है, दूसरों के लिए अच्छा आप नहीं सोचते हैं, तभी सब भगवान के ऊपर आप कितना भी कुछ चढ़ा दीजिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस ऐसा ही होता है। लेकिन सावन में मैं साथ में जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, तो बेल की पत्ती, फूल वगैरह सब कुछ हम लोग लेकर जाते हैं, और अच्छे से भोले बाबा की पूजा करती हूँ मैं भी। हम दोनों मिलकर ही करते हैं इसी बहाने। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ एक साथ भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड नहीं पूजा कुछ नहीं मंदिर मंदिर जब मैं शादी होकर आई थी तो ये कुछ भी नहीं करते थे, पूजा क्या होता है कुछ नहीं। और जैसे जैसे मैंने फिर धीरे धीरे उनको मतलब आदत डाल दिया, मैंने कहा चलो कुछ अच्छी अच्छे काम ही करते हैं ना, तो जब से ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं तो अच्छी बात है। भगवान ने इनकी जो बुद्धि है वो ठीक ठाक कर दी, और अपना मतलब अच्छे से भगवान को भी मानते हैं, है कि नहीं। बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ फिर से गुद, और सोच रही हूँ कल मेहंदी लगाने, कल हाँ कल कल बुधवार है, कल सुबह मैं शैम्पू कर लूँगी, उसके बाद दोपहर में ना मेहंदी लगा लूँगी, मेरा मन ऐसा कर रहा है। क्योंकि ना ये जो कलर करती हूँ ना तो ये तुरंत छूट जाता है। मैंने कलर किया है कब 3-4 दिन पहले कलर किया, और फिर से मेरे वाइट वाइट से बाल दिखने लगे। कम से कम रेड मेहंदी लगाती हूँ ना तो कुछ दिन तक सही रहता है। मैंने अभी गौर किया, शीशे में देखा तो मैंने कही तो वाइट हो गया। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं बिंदी लगाना भूल गई। जब मैंने शीशे में देखा तब मुझे ध्यान आया कि मैंने बिंदी तो मैंने लगाई नहीं। तो उसके बाद मैं कुछ क्या बोल रही थी, उसके बाद मैंने हस्बैंड को खाना खिला रही थी, तो उनका खाना यहीं पर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं दाल रोटी चावल भुजिया चोखा और अचार दूँगी और आम दूँगी। तो रोटी आज मैंने इसलिए बनाया ना क्योंकि कल दोनों टाइम चावल चावल हो गया था, दोनों तीनों टाइम। और फिर आज भी अगर अभी रोटी नहीं बनाती तो फिर दो टाइम चावल हो जाता अभी और दोपहर। तो मैंने मैंने 4 रोटी बना लिया, ताकि दो रोटी दोपहर में दे दूँगी और थोड़ा सा चावल, ऐसे करके रोटी भी हो जाएगी, बैलेंस रहेगा। नहीं तो बस चावल चावल खा के ज़्यादा चावल भी नहीं खाना चाहिए, रोटी भी खानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी रोटी से ही मिलती है। तो मैंने ज़्यादा नहीं 5 रोटी बनाया, एक बाबू के लिए और 4 इनके लिए, क्योंकि वह स्कूल से आएगा तो वो भी चावल, उसको भी चावल ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी मैं उसको 1 रोटी दूंगी। लंच में मैंने 2 रोटी दिया था उसको, लेकिन अभी भी 2 रोटी मतलब 1 रोटी दे दूंगी स्कूल से आने के बाद।
और यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े सुखाने को लगाया हुआ है, तो कपड़े मैं हाथ से धोई क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े थे और मशीन बहुत देख रही थी, पूरी तरीके से वाइब्रेट होने लगे। फिर मैंने इसको बंद किया, फिर मैंने कपड़े सही से मतलब सही से सारे कपड़े निकाले, फिर से बैठाया इसको और उसके बाद फिर मैंने फिर से कपड़े लगाए। तो बस फ्रेंड ऐसे ही मेरा मॉर्निंग का यही रूटीन है। अभी तो बहुत सारा काम है बट ये वीडियो यहीं पर इसको एंड करूँगी क्योंकि इसके आगे फिर दूसरा वीडियो कंटिन्यू करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखा लूँगी, सुखा के फिर घर में ही डालूँगी क्योंकि आजकल तो वैसे भी डेली ही बारिश हो रही है डेली, और कपड़े सूख जाते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि नहीं सूखते। उसके बाद मैं भी खाऊंगी क्योंकि भूख मुझे भी लगी, मतलब इतनी तेज़ भूख लगी नहीं है लेकिन खा लूँगी, नहीं तो फिर से जो भी थोड़ी बहुत हालत ठीक हुई है ना फिर से तबीयत ख़राब नहीं हो ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डरती रहती हूँ क्योंकि सच में जब अपना शरीर नहीं होता ना सही तो कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं देता है। मैंने इतना देख लिया है, इसलिए मैं अपने आप को सोच रही हूँ अपन खुद को सही रखो क्योंकि सारा काम हमें ही करना होता है, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। अच्छा भी नहीं लगता कि आपके सामने आपके हस्बैंड कुछ काम करें, नहीं अच्छा लगता मुझे। ये देखिए मैंने एक दिन बनाया था राम लड्डू को, काफ़ी दिन हो गए तो वही लड्डू बचा हुआ था, पकौड़ी